अस्सलामुअलैकुम फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। ये देखिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने ये अंडे के लिए प्याज काटी है और ये अंडा और ये मेरे पराठे बन चुके हैं। और ये जो है अंडा मैं जो है अलग से तोड़ के डालती हूँ। अंडा हमेशा एक अलग से बाउल में तोड़ के फिर जो है इसमें मिक्स करना चाहिए, क्योंकि अंडे कभी कभी ख़राब भी आ जाते हैं। तो फिर वो उससे क्या होता है कि जो हमारा बनाया हुआ मिक्सचर होता है ये सब ख़राब हो जाता है। इस वजह से अंडे अलग से तोड़ के डालने चाहिए। ये देखिए मैं इस तरह करके इसमें अंडे डालूँगी। इधर आइए, सबों को बुलाइए। ये देखिए मेरे हो गए हैं अंडे। ये मैंने 4 अंडों का बनाया है और ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और मेरी चाय भी रेडी है। देखिए बहुत मज़ेदार सा मेरा अंडा रेडी हो चुका है और मेरी चाय भी रेडी है, मेरे पराठे भी रेडी है। मैं पराठा नहीं खाती, मैंने अपने लिए बनाई है सादी रोटी, क्योंकि जो है मैं रोटी खाती हूँ, मैं पराठा नहीं खाती। हमारा हो गया है नाश्ता रेडी। अब मैं आपसे मिलती हूँ नाश्ते के बाद। शामिल क्या हो रहा है? हेलो, आज मैं काम कर रहा हूँ। मैंने तो शुरू ही कर लिया था थोड़ी देर के लिए। सफा क्या कर रही हैं? मैं होमवर्क कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को लेके शाम को पार्क जा रही हूँ मैं। बहुत बोरियत हो रही है, दिल नहीं लग रहा आज। बहुत आज बहुत खाली खाली सा दिन था। मैं ही जा रही हूँ पार्क बच्चों को लेके। अभी ज़रा बच्चे ना कुछ चीज़ ले रहे हैं ये दुकान से ना। ये देखिए इन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी है। ये लोग बस देख के झूले वगैरह है ना, बच्चे देख के जल्दी जल्दी से खुश हो। ये कौन आप लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं आप लोग? कहाँ से आए? हम लोग सामने वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, आप जाइए। क्या प्राइस है? 100। अच्छा, ये देखिए ये जो है मुझसे कह रही है, मैं भी पार्क में आई हूँ, इंटरव्यू हुई हूँ, तो ये बच्ची आई हैं दो, मुझे कुछ कह रही हैं कि ये स्पाइसी मैगी स्पाइसी नूडल्स है, 100 रुपीज़ की है, तो ये कह रही है मुझसे आप ले लें आंटी। तो कन्नौर की है। अच्छा, लेती कहाँ लेती हो आप लोग? हैं यहाँ पे रोज़ आती हो? अच्छा, क्या नाम है? क्या नाम है आपको पता है? मैं क्या कर रही हूँ? व्लॉग बना रही हूँ। पता है ना? क्या पढ़ती हैं आप लोग? कौन सी क्लास में? दोनों। ये जो अभी हमारे बराबर वाले में आप घर? अच्छा, तो ये तो हमारे नेबर है ना आप लोग, तो है ना। अच्छा, क्या खा रही हो तुम? बिस्किट। कौन सा बिस्किट खा रही हो? अब ये देखें सफ़ा बिस्किट खा रही है। ये देखें सारा सफ़ा को। हम लोग जो है यहाँ पर आकर बैठे हैं, बहुत मज़ा आता है यहाँ आकर बैठ जाते हैं जब इब्राहिम बहुत खुश हो रहे हैं। इब्राहिम आप क्या खा रहे हैं? इब्राहिम भी तो बिस्किट खा रहे हैं ना। इब्राहिम अपनी चीज़ लेकर आए हैं और इब्राहिम भी बहुत मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये मैं इनको झूले पर लेके जाती हूँ, ये लोग वहाँ पर झूला फिर आपको दिखाती हूँ। दिखाओ किस किस को खाना है ये चॉकलेट सैंडविच। मैंने क्या करा, दो बिस्किट के अंदर जो क्रीम होती है ना, मैं दो बिस्किट लिया, उन दोनों की क्रीम इन दोनों का ऐसे रखा, इस पर भी क्रीम लगी हुई थी, इस पर क्रीम लगी हुई। जो सूखा वाला बिस्किट है मैंने खा लिया। अब इसको बहुत टेस्टी लगता है, ज़्यादा चॉकलेट है। सुबह बच्चों का स्कूल है तो बस बच्चे जल्दी सो जाएंगे और जो है खाना खाएंगे, खाना खा के और अब ये लोग जल्दी सो जाएंगे। और रूटीन तो बस यही है, सुबह नाश्ता करते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के खाना खा के शाम को चाय पीतना है। फिर चाय के बाद क्या, कारी साहब आते हैं, बच्चों को कारी साहब पढ़ाते हैं। उसके बाद शाम में हम लोग यहाँ अक्सर आके पार्क में बैठ जाते हैं कभी,
और वॉक करने तो मैं आती हूँ, आपको पता है मैं वॉक करती हूँ, तो फिर यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून, बहुत पुरसकून माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है हमारी सोसाइटी का। छोटी सी सोसाइटी है लेकिन माशाल्लाह से बहुत पुरसकून माहौल है यहाँ का, तो हम लोग यहाँ आकर बैठ जाते हैं। ये देखें इब्राहिम, अभी इब्राहिम हमें गेम खेलेंगे। अच्छा हाँ चलो सफ़ा और इब्राहिम क्या गेम खेलेंगे बताओ मुझे। सफ़ा ये रेपर डस्टबिन में डालो, ये उठाइए इब्राहिम, बिल्कुल यहाँ नहीं फेंकना होता, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर को भी साफ़ रखें, बाहर भी साफ़ रखें, अपने पाकिस्तान को कराची को साफ़ सुथरा, बाहर का हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, सफाई का बहुत ख्याल रखें, साफ़ सुथरा माहौल बहुत अच्छा लगता है, सफाई का बहुत ख्याल रखें। ये देखिए कितनी छोटी सी बेबी है और ये झूला झूल रही है, आपको मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको, आप बोलती है? बोलेगा, कहाँ बैठे हैं आप? इनकी मम्मा बता रही है, बोलते हैं ये बताइए बॉय कहाँ बैठे हैं आप? हॉर्स, माशाल्लाह हॉर्स पे बैठे हुए हैं, ये देखें जयान। और सफ़ा कहाँ है? अब सफ़ा क्या कर रही है? सफ़ा भी झूले पे झूल रही है। सफ़ा आहिस्ता, सफ़ा बहुत तेज़ नहीं आहिस्ता, ये बताइए जुआ जुआ क्या कर रही हो? हॉर्स पे झूला झूल रही, ये देखें नाम बताओ अपना। मेहानी ओ मेहानी फबेहा, माशाल्लाह कितने प्यारे नाम है इनके ये। इब्राहिम आपको बैठना है हॉर्स पे, अब इब्राहिम अब उम्मे हानी है ना, इब्राहिम आहिस्ता, इब्राहिम स्लाइड पे, मम्मा स्लाइड, चलो करो। वाह इब्राहिम मज़ा आ रहा है आपको, बहुत मज़ा आ रहा है इब्राहिम को। और ये देखें ये इब्राहिम है, आप देखिए सफ़ा क्या कर, सफ़ा ये मुझे बड़ा ख़तरनाक झूला लगता है इसलिए यहाँ नहीं बैठना, ये देखें नहीं सफ़ा नहीं, सफ़ा यहाँ, ये सफ़ा यहाँ पे इब्राहिम इस पर बैठा, कितने प्यारे बच्चे हैं ना, देखें ये लग गई ना आपकी, लगी है ना, देखा अभी मैंने आपको बताया था ना ये डेंजर होता है, ये देखिए ये बच्चे इसी झूले पे बैठे थे और ये इनके लगी है ना। आपका क्या नाम है? अहमद शामीश। अहमद शामीश, शामीश। और आपका? आप इस पे नहीं बैठे हो, ये लग जाएगी, देखो ये डेंजर है, देखा ये बहुत खतरनाक है, इसी से एक दफ़ा इब्राहिम की भी लगी थी यहाँ पे। चले आइए देखते हैं, सफ़ा को तो दिल ही नहीं चाह रहा घर जाने का, आप कारी साहब आने वाले हैं, अब घर जाना है हमें, बस अब चलते हैं सफ़ा। ये देखिए सफ़ा का और इब्राहिम का दिल नहीं चाह रहा जाने। मैं तो जा रही हूँ घर, और जो है कल सब आने वाले हैं, बच्चों को पढ़ाना है सपारा, उसके बाद जो है खाना खाएंगे हम लोग, और उसके बाद फिर क्या करते हैं देखते हैं, उसके बाद उनके पापा आएंगे ऑफिस से, फिर बस उनको खाना देना है नाश्ता, उसके बाद और मैं जल्दी सो जाती हूँ। तो आप लोग कब सोते हैं फैमिली? आप लोग सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह 6 बजे उठना होता है, और फिर ये देखें चले सफ़ा चले आ जाइए, सफ़ा आइए। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको देख के इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है, इन लोगों से बातें करते हैं सब छोटे छोटे और ये सब खेल रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीनिश। और हमारे माशाल्लाह से हमारी सोसाइटी के अलावा भी, हम जब सोसाइटी से बाहर निकलते हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छे प्लांट्स हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे प्लांट्स हैं वहाँ पर भी, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर की पूरी ग्रीनिश,
पूरे हमारे पार्क में पूरे ग्रीनिश ग्रीनिश है। हमारी सोसाइटी बहुत साफ सुथरी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी है। ये देखिए हमारे बालों नहीं पढ़ना जी, हमारे तो बालों नहीं पढ़ना। क्यों क्यों पढ़ना नहीं है आपको सुपारा? पढ़ना है ना सुपारा तो, इब्राहिम बुरी बात होती है ना, ऐसे गिर गई। इब्राहिम को सुपारा नहीं पढ़ना, इब्राहिम कह रहे हैं मुझे सुपारा नहीं पढ़ना, लेकिन इब्राहिम को सुपारा पढ़ना है। इब्राहिम सुपारा पढ़ेंगे लाजमी। तो फैमिली मेरा व्लॉग आज का बस यहीं तक था, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।